माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, रोटी ले आओ। नहीं बेटा। ओहो सारे दिन किताबां बड़ी रहे, पछे पढ़ लिए, पहले रोटी खा। खा ले। आपने खा ली माँ? बस मैं अभी लेके आऊँ अपनी भी, फिर पापा ना आए ना अभी। अच्छा दीपांशी। हाँ पिताजी नमस्ते। नमस्ते, आ जाओ रोटी खा लो। ये नमस्ते वाला की धंधा था धंधा जी भैया। नमस्ते। रोटी खा ली? हाँ जी, वो मेरे टीचर ने बोला था ना कि घर में जब भी कोई बड़ा या पापा जी आए तो रोटी डेली नमस्ते करनी चाहिए। अच्छा हाँ जी, लो रोटी खा लो आप। चल तू भी खा। माँ पिताजी आ गए। ठीक है बेटा खा ले तू रोटी। अच्छा हम तो खा रहे हैं। क्यों बाप बेटी का कितना प्यार है बताओ। बताऊंगी। चाचू ना सारी ना दिया, आज तो आपको सब्जी वाली खानी पड़ेगी। चलो माँ बहुत बढ़िया बने सब्जी। किसने बनाई? माँ ने। ये आपकी लाली सूची तारीफ करती रहो। और दीपांश जी जी पिताजी। पढ़ाई बता तू कैसी चल रही? बस पिताजी बढ़िया चल रही है। जब तेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा जी फिर क्या करेगी? पिताजी मैं तो पुलिस वाली बनना चाहूंगी। वाह बस आपका आशीर्वाद रहे और मेरा काम अच्छा हो जाए पढ़ाई में। मेरी रिजल्ट अच्छा आ जाए। सब अच्छा ही हो जाएगा। अच्छा है ना माँ? बिल्कुल बेटा। हमारा तो सौभाग्य है कि तू हमारी बेटी है। क्यों जी? मैं रोटी और लेके आती हूँ, रुको। ले रोटी लेने गई थी वहीं बैठी गई ले वरना आ गई। ले आ ले आ ये लो आज ना मट्ठा तो है नहीं, गुड़ते ही काम चला लो बाप बेटी। ठीक है दीपन जी। गुड़ सारा धर लीजिए खा। ए आकाश महोदय। हाँ पिताजी। दीपांशी पढ़ने लग रही, तू भी कुछ पढ़ लिया कर। पढ़ तो हूँ। क्या पढ़ है? मैं पढ़ूँ वाली जिंदगी है। अरे दीपांशी जी, ये किताब किसकी? ये तो मेरी है। झूठ थोड़े आराम से बोल लगे। एक और कर दो, झूठ बोल रहा। किसकी है किताब? पता तू कैसी क्लास में? नहीं 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 क्लास में। चल लग गया था नौवीं में ही। मेरा ढीला है पढ़ने में। ये क्या बढ़िया पढ़ू, मास्टर जी भी नु कह रहे गुड दिया। और क्या था ये मेरी नंदरी ये देख मान छोरी कितनी अच्छी पढ़ा है। दीपांशी इसे बता दो कर दो और अब। मैं तो बोलो इधर बैठता ही नहीं मेरा पढ़न को। इब तो सानू पता चला कि नौवीं में आई। आ जाओ तो अभी जी, आ जाओ आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। और बताओ। अजी कहना क्या है, इसकी दीपांशी की किस्त लेट होगी अब क्या? अच्छा यह बात इनके ध्यान ही नहीं रही। तू तो गई थी वहां लाइसेंस में, वाले तू करिए ही होगी। मैं भी भूल गई, मेरे भी याद ना रही। और तुम एक काम करे करो, किस्त ले जा करो, ठीक है ना? कई बार नहीं याद रहता। ये कोई वो तो ना पेनल्टी वेनल्टी? पेनल्टी तो 500 रुपए की लगी है जी। लाओ दे दो तुम। पीछे जेब में रहे और टेम और देखी याद नहीं रही। अब जा रहे हैं ना 500 रुपए फालतू। अच्छा 200 रुपया 500 का तो जमा करिए। फिर यह दिक्कत थोड़ा वह अंडे धक्के का बोला।
मैंने कह रहा बाबू जी एक योजना और है। हाँ बताओ की है। देखो बाबू जी दीपांशी का बीमा मार्च तक पूरा हो जाएगा, तो अगर तुम चाहो तो इस पर लोन ले लो। त्यागी जी ना तो हमें लोन लेना और ना निकलवाना, हमें तो इस किस्त को आगे बढ़ाना है, बाकी बात ये जाने। त्यागी जी देखो वो तो हमने दीपांशी के नाम का ही राख रखा, आगे इसकी शादी वादी करेंगे। और कोई ऐसी प्लान हो? क्योंकि भी मेरे साथ थोड़ा सा टाइम और है भाई, ग्रेजुएशन में शादी में भी हैं 2-3 साल, कोई ऐसा और हो प्लान तो वो भी बता दो। बताओ। नहीं जी एक प्लान और है, इसे तो तुम आगे बढ़ा लो। ठीक है। और शादी के टाइम पे आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर तुम चाहो तो। ठीक है त्यागी जी, वो शादी वाला प्लान भी ले लेंगे। क्यों जी? हाँ दीपांशी। पिताजी आप मेरे कितने बीमे करवाओगे? आप मुझे मारना चाह रहे हो क्या? हाँ हम तुझे मारना चाह रहे, तुझे रुपये में दाब के मारेंगे। आकाश हाँ सही कह रहे हो पिताजी, 50 लाख लगाऊंगे इसकी शादी में और उसी के बोझ में मर जाएगी। देख बेफालतू में डरे यार, पता मुझे दांत पाड़ती रहेगी। पढ़ता लिखता है नहीं पिताजी, फालतू की बात कर रहे हैं। किसी को तो जवाब दे दो। त्यागी जी ठीक है बस तो मुझे बता दियो, फोन करके मुझे फोन पे बता देंगे, और वो बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आप पे हैं ही, अगर बाकी साइन वाइन करा ले जब भी आप शादी करें। अच्छा तो जी ठीक है जी, और बाकी तुम ले जा करो, क्योंकि कई बार नहीं काम धंधे में ध्यान नहीं रहता, फिर अपना सूप 200-500 रुपये बदती जाओ। ठीक है त्यागी जी राम। आप वो फोन पे करते हैं ना आजकल, क्या करिया करे वो फोन पे। हाँ जो भी है मेरा खाजोरी में नहा ले। हाँ तू नहा ले, इसे पता के जिसे तू बता। हाँ माँ वो फोन पे हो है, इसे क्या पता, ये तो जाता नहीं स्कूल। हाँ तू कर ले करेगी? हाँ मैं कर ले करूँगी। बढ़िया सा फोन ले दो फिर छोरी ना, ये भी नहीं देते फोन, पढ़ लेंगे फोन के चक्कर में ना गिरा। कद है तेरे पेपर? वो अप्रैल तक डेट शीट आएगी, उसमें पता चल जाएगा। अप्रैल में आपकी डेट शीट, इसे बता दे कर इसे आकाश को भी कुछ। पिताजी मैं तो कहूँ उससे कि पढ़ लेकर, पर वो कहवे तू ही पढ़ लिख के बन जा डॉक्टर, नहीं हम तेरे तेले ले करेंगे दवाई। रोटी बन गई ना जी, बनाऊंगी जाकर। तो सेक ले, जा सेक ले 2-4 रोटी। ठीक है जी। हाँ सेको रोटी। सेक ले दीपांशी। हाँ जी बस तू पढ़ लो और कुछ नहीं। ओ दड़ाक मारूंगा तेरे मुंह पे, सिखा दे मुझे मोटरसाइकिल। यू भी मुझे सिखानी है के किक मार और उड़ा दे इसे। भाई ने मेरा तू देख बता दिया, देख मम्मी पापा आने पहले बता दे जल्दी आ जा, रुको प्लीज प्लीज। ठीक है जो कल चल उड़का दे, चल कर इसको जा। हैंडल सुधा रखना। हाँ बस रहने दे, हमें पता तू चला लेगी, हमें पता तू चला लेगी, रहने दे। सीख गई तू? नहीं पकड़ 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 दे, मैं गिर जाऊंगी, पकड़ पूरा कुकर ले ले, स्टैंड कर रखा पैर ना पीछ दिए, उतर ले। सिखाने का नहीं? अरे टूट टाट जाओगी, पिताजी मारेंगे। और नहीं टूटने की, चल बैठ तो बैठ, पीछे बैठ चल, तेरे पहले चलवाए जा मैं चलाऊंगी। चलाइए चलवा लेगा। हाँ हाँ बस पैर नीचे रखिए। हाँ पैर तो नीचे रख रखा पर हैंडल से उधर आके ये धर ले नीचे ले, ध्यान रखिए। ठीक है चलाओ करू रेस। चल थोड़ा सा आगे को ले चल। ओए ओए हाँ जी मैं न्यू कहूँ थी, अपनी दीपांशी की पढ़ाई तो पूरी हो ली, इसकी खातर कोई छोरा छारा देखा आपने, ब्याह की भी सोच लियो। सोच तो रहा हूँ मैं, इसे मदन को लेके गया भी था पर ये मदन ने राइड मार दी, इनने सनु बताया दिया भैया तो इनकी है नहीं, इसे तो कहीं थे मंदिर वंदिर कहीं पता ना कहाँ ले थे, इतना बढ़िया रिश्ता था अभी फिर मना कर दिया को, भाई क्या पता कौन है, हम तो चले नहीं काम मारे।
मुझे तो इसी बात का डर है कि कोई न कोई भांजी मार ही देगा कि या छोरी मारी ना है। आप मंदिर पर तो उठा के ले आए थे सर, लेकिन एक बात बताओ, इतनी सी थी जब आप लेके आए थे, हमने कितनी लाड चावती से पाली है, बेटी तो मारी हुई ना? हुई तो मारी, पर ये दुनिया मानने इस बात को जी भी, तो इनका तो इतना भूंडा बहम है, पता नहीं कौन है किसकी है, ऊंची जात नीची जात, एक तो ना है दिक्कत। हाँ, यह तो हमारे समाज में बड़ी प्रॉब्लम है, यह बात तो सही कह रहे हो तुम। नहीं तो इतनी बढ़िया, इतनी समझदार, पढ़ी लिखी लड़की, पता नहीं सर यह दिक्कत तो खैर रहेगी, पर निमटावेंगे इसे भी, बता देंगे मुझे भाई ऐसी सी दिक्कत है, जो कोई सोबर हाँ भरेगा, सारी बात तय करके जब करेंगे। एक बार वही हमने बड़े लाड प्यार से पाली, नहीं एक बार वही धक्का दे देंगे, फिर से देंगे बहुत कुछ, ऐसी बात नहीं, पर घनी दिक्कत आ गई ना तो जो एक बात बताऊँ, मेरा विचार यू भी है अगली शादी प्रॉपर्टी दे दो। ना जी, बेटी तो कोई राजा महाराजा कभी ना खटाई। वा नहीं पूछ रहा मैं तेरे, पूछ या बात रहा, जो आधी संपत्ति से दे दी तो कोई दिक्कत तो नहीं ना है। जी मेरा कोई दिक्कत ना है। बस फिर कोई दिक्कत? अरे जिस हमारा बेटा है इसी हमारी बेटी है। हाँ हाँ, वो सब तेरे भरोसे को था वो काम। ना जी आप दिक्कत ना लो, आपका जो फैसला है वो मेरा फैसला है, मैं आपके साथ हूँ। फिर तो हो ही जाएगा ऐसी कोई बात नहीं, दुनियादारी में बढ़िया आदमी भी है, कोई सभी छोटे विचारों के थोड़ा है। दीपांशी आगे दिखे। हाँ। देखे कर झूमती आवे आन देश की दो मर्मों कम अरिया को मेरे से। अरे इसकी सहेली है। यो कौन सा तरीका तेरे चलने का, ढंग सिर चल ले ढंग सिर। तुझे पता नहीं? अच्छा। मेरे पिताजी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ। कि कभी भी तेरे फेस पे टेंशन नहीं दिखनी चाहिए। अच्छा। और अगर टेंशन दिख गई तो तेरी घंटी भेज दूंगा, तो इसलिए मैं तो खुश रहूं, मस्त रहूं। अच्छा, तो ये रीजन है। चल कोई नहीं। नमस्ते पिताजी। नमस्ते माँ। नमस्ते नमस्ते। बैठो बेटा, बैठ जाओ। माँ मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग रही है, और मुझे पानी पिला दो। ये भी लाई, रुक। बस मैं ठीक हूँ बेटा। और क्यों कर चले थे तू? वो पिताजी मुझे स्कूटी ला दो। अच्छा, मुँह में क्या है? वो तो मैंने चिज्जी खाई बाहर से। दांत खराब हो जाएंगे, चिज्जी खाई थी। ले पानी बेटा, ये ले, आराम से पी, आराम से। एक गिलास मेरे लिए भी लिया। ठीक है। और पढ़ाई कैसी है बेटा? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। ये क्लास में तो ना करती शरारत? शरारत करें तो आपने बोल रखा कि शरारत करने के लिए। ओ नवाब, मम्मी कहाँ है? क्या है, अंदर होगी? अंदर तो ना है। फिर बापू जेल घूमने गई? ओ भाई, एक काम कर दे। ओहो, मीठे बोल बोल लगी, जरूर कुछ केड़ा काम है? ना देख, मुझे वो बाइक सिखा दे। बाइक सीखेगी? मेरे बस की ना है। भाई नहीं मेरा, पुलिस। रोवे क्यों है, सिखा दूंगा, आ खड़ी हो। पुलिस चल, इसे बाद में पैर लूंगी। चल 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 जल्दी। अब थोड़ी तुझे कुछ दिखाई दे, बैठ। रुक जा, मम्मी के आने से पहले कर, पिताजी के आने से पहले। सिखा ले, चाबी भी इसने लगा रखी, चालू करिए। देख पकड़ के रखिए, गिर ना जाऊं मैं। पकड़ ली हैं? स्टैंड के तेरी बुआ करेगी। बुआ नहीं करेगी, तू करेगा। चल मैं ही कर रहा हूं, पैर तो हट। पिताजी को बताऊंगी आने दे। सबको बता दिए सिखाने का, और ना देख पकड़ के रखिए। हां ठीक है, अब बता क्या करूं। चल स्टार्ट तो करें। पैर टेक ले, ऐसे स्टार्ट करेगी। अब यूं समझ में ना आ रहा मैं कैसे बैठूं, हैंडल सुद्धा होना चाह। हम्म, और तेरी ए च
चाप भी तो घुमाई ना। किंगे घुमाऊं नु बता। होगी। अब कर बटन दबा दे। कर कर। रहन दे हटिए पीछे बैठिए तुम। नहीं। ना ठीक है तू। पहले देख ले मुझे। पीछे हो न्यू न्यू के न्यू हो जा। न्यू यहाँ खड़ी होगा तो किंगे। यू दबाया। ओहो अब तो नहीं करनी पड़ेगी। तेल खत्म होगा तू रहने दे। चल पढ़ ले। ना पढ़ने लिखने का ना कोई काम करने का। जादू में बोल रही है। छोड़ दो बेटा मम्मी मैं पिताजी से बता दूंगी। हट पढ़ ले। चल छोड़ मेरे काम का दे। तेरे कान का आगे नींद और खराब कर दी। चाबी दुक्का लू कभी ठाक फिर बाद में छेड़े। बावली सी भाई निधि मैं इतने परिवारों में घूमू पर एक परिवार ऐसा देखा उन्हें कोई लोंडिया मिली ही कहीं मंदिर वंदिर में और वे उसे इतने लाड़ प्यार से रखे 20 लाख का बीमा करवा रखा और एक और करवा दिया। अब एक आध और हाथ लग जाए ऐसे ही परिवार सा तो ये छत से डलवा दूं मैं। सांस ले ले ना तो मरतागी फिर बपुर तन्न मारोगी। यो बात तो तू ठीक कह रहा भाई। अच्छा भाई हम रोज आ करेंगे रेस मार। बढ़िया लगा। करो करो फटाफट करो। मामा मा, खा खा मा, के सांड सी हो रही कर बेटा कर। ये बात बिल्कुल अपने पापा के जैसे हो जाओगे पतले पतले। करो करो दूध लेके आऊंगी बढ़िया सा। देख रही माँ कैसे कर रहे हैं। अच्छे से कर मैं दूध लेके आऊँ जब तक। एक काम करो बीच में दूध पी। ये तू पी और ये तू ले बेटा। पीजे पीजे। अरे माँ इसका गिलास बड़ा मेरा छोटा दिया। ले भाई बड़ा गिलास तू ले ले। अब देरी है खाली करके। अच्छा एक गिलास मुझे दे दो। देख ले बापू या मेरा कहना नहीं मानती ना एक सवाल का जवाब देती या सर पे चढ़ा रखी तुमने। पिताजी इसकी बात छोड़ दो तुम मुझे बड़े से कहानी सुनाओ आज। अच्छा कहानी सुनेगी। चलो मैं कहानी तुम्हें दोनों को ही सुना रहा मान लोगे। देखो एक तो कितनी भी दिक्कत जिंदगी में आ जा तो कभी घबराते नहीं हैं। लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ी जी। हाँ जब वो 19 साल की थी तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके जीवन में आ गई और फिर उसने वह इतने सहज तरीके से निभाई और ये सब क्यों किस तरीके तक है उसने हौसले। जिंदगी में कभी भी कितनी भी बड़ी समस्या हो हौसला बरकरार रहा ठीक है ना। आगे बात सुन रही ना। तो अपने जीवन में हमेशा रानी लक्ष्मी बाई बनते रहे कोई कुछ भी कहो और तुझे भी बता रहा हूँ। हाँ पिताजी मैं अकेला हूँ। तू के बन सके ना बता। तुम्हारा बेटा बन रहा है और के बनेगा। भगत सिंह बन सके। मुझ है पर दाढ़ी बनवानी पड़ जाएगी तो भगत सिंह बन। क्या कह रहे पिताजी भगत सिंह कहाँ थे और यो कहाँ है एक भी गुंडी है भगत सिंह जैसा। मैं इस टाइम खाट रहा हूँ और पिताजी के धोरे। अरे बेटी भगत सिंह तो पूजनीय थे माँ।
तू इसके क्यों गल लगी रहा है? ठीक है ना, कभी जिंदगी में घबराना नहीं, बहुत प्यार प्रेम पर रहना है ना। और बस मेरा यही कहना कि जिंदगी में कभी घबराओ, हार ना मानो, हार नहीं मानो, जिंदगी का डट के मुकाबला करे। छोटे मोटे दुख सुख ये सब आते भी रहे, ये आने भी चाह, सपाट सी जिंदगी कुछ बढ़िया भी नहीं होती। कितना जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव ना हो, कुछ तजर्बे ना हो, तो स्वाद नहीं। बिल्कुल, मैं किसी तरह हार नहीं मानता। अच्छा, इस तरह हार मान वो तो ये मान लेगा पिताजी, क्योंकि मेरे से लड़ ही नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ठीक है ना, हाँ के भी फेंक सकूँ मैं इसे। रहने दे, तू देख रहा पिताजी माँ। हाँ, कुछ ना कर रही हो, आगे रखेगा। चल चल, ये देख बेटा, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आवे हैं, तेरे पापू कभी आए। और बस बड़े प्यार से रहना, जो प्यार से रहे, मिलजुल के रहे, उसके आगे कोई दिक्कत नहीं। और छोटी मोटी दिक्कत तो नूट जाए, और पढ़ाई का ध्यान रखना, विचलित कभी होना नहीं पूरे जीवन में, पाखंड से दूर रहना। अगर सब तरीके से स्ट्रांग होना है तो पाखंड से दूर रहना। ठीक है, पाखंड की हो मुझे यू तो बता दो। किसी भी बहकावे में नहीं आना। हाँ, अच्छा। हाँ, जो भी सोचना है अपने दिमाग पे ठीक, भगवान का नाम लेकर। ठीक है दीपांशी, कोई कुछ भी बोले पर अपना दिमाग उसमें जरूर। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो इब खेल लो, चलो उठो। लड़पेटी के और के काम है इन्हें। चलो ठीक है जी, अपने बालक अच्छे, हम भी अच्छे रहेंगे। हाँ। जिंदगी बढ़िया सी कट जाएगी। ओए ए दीपांशी, के कर रही, के होगा? मेरे पैर में चोट लग गई भाई। चोट लग गई? हाँ। अब बाइक कहाँ? बाइक वो तो बाहर सड़क पे पड़ी। तू ही लेके गई होगी जरूर। दिखे देख सुन, माँ और पिताजी को बिल्कुल ना बताइए कि मेरे चोट लग गई और मैं बाइक सड़क पे गिरी, जब भाग के उनके आने पहले जल्दी लिया लिया हुआ। पर आज बापू ढंग बिठा देगा तन्ना, बाइक तोड़ दी होगी पूरी। पता नहीं कहाँ चले गया कमीना, कितनी देर का बोल रखा है कि बाइक उठा के लिया, अब तक आया नहीं। आई आज अंदेश की थी, आज आज अंदेश की थू थू पे बजाऊंगी। दीपांशी जी, जी पिताजी कहाँ है? यहाँ आ रही पिताजी। दीपांशी? हाँ हाँ जी पिताजी, आ रही हूँ। अजी साका सुनो, चप्पल चप्पल बजाऊंगी अपनी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आजा बैठ। वो माँ कुछ नहीं, बस ऐसे फोड़ दी उसकी हेडलाइट और तोड़ रखा स्टैंड है। देख रहे पिताजी कितना झूठ बोल रहा, मैंने इसे इतना रोका मगर बाइक लेकर मत जा, फिर भी हो गया। पिताजी तुम इसकी मान लो, इसे एक बाइक दिलवा दो। देख देख कितनी सफाई दे रहा, मैंने तेरे से पहले कह रखी मात है, मगर माँ मुझे स्कूटी दिलवा दियो और अपने नंबर बढ़ाने में लग रहा। ठीक कर रही है बेटी, हेडलाइट की कुछ टूटी है। ओ खड़ी हुई घर लियो पानी ला। वो आप नहीं ले सकता पानी? अरे पानी ला दे कोई। ला दे बेटी ला। पिताजी किस तरह पूछी टांग कहाँ टूटी? ये दीपांशी रही पूरा, आ जा पानी बाद में ले आ जा। जी पिताजी, पानी की वजह से वो हुँ।
गया बेटी पैर में? बता। हाँ, तो मारा मेरे। कि मेरे भाई कितने दे दिया तेरे पास? सही बता, कहाँ ले जाती भाई? पिताजी मैं बाइक चलाना सीख रही थी। और मैंने से कितनी बार कहा, तुमने मुझे सिखाया नहीं? मुझे और तोड़ थी, मैं ले गई। ठीक कर रहे लेगी, आ तो गई क्या चलानी? अब तो मम्मा होके भी घुमा देगी। ना भाई, मैं मेरे को ना जाना मम्मा किसके साथ, कहीं तोड़ देगी मुझे तो बुआ के ले जाइए बापू। बापू चलेंगे ना बुआ के? बापू चलोगे ना बुआ के? हाँ ले चलिए। नाना तेरे मम्मा का घुमाई लेगी तेरे बापू ने। मैं न्यू कह रहा कि अस्पताल में लेटना चाह रहे हो इसके आँख तो। चल अब पानी तो ला दे। अपने ले जा। अपू लेना पड़ेगा क्योंकि तेरे बस की। तू ज्यादा छेड़ ना छोड़ी ने। तन बेरा ना तेरे पापा की लाड़ ली है। चल बाइक तो आगे चोट फेट लग के। चल बाइक ना रहने दो, स्कूटी ले दो इन्हें। ले देंगे या जो कुछ कहेगी वो ले देंगे। ठीक सुन रहा है, अब मुझे स्कूटी मिलेगी, वो टूटी हुई बाइक तू ही चलाइए। ठीक है तू ही ले लिया स्कूटी। हाँ पिताजी वैसे क्या का दर्द की टूक मंगवा दो। तू लिया जाके बाइक ठार ले जा। आ बाइक तो आएगी। हाँ चलानी तो आगी तेरे पे। वो अभी मेरे पैर में चोट लग गई ना। ए दीपांशी बुरा आज तो ये बेर खाऊंगा। ऐसा मारूंगी रैप्टा। तू का देखी जी मार्क ठीक। हाथ छोड़ दे मेरा अगर तेरा टाइम ठीक है तो। के अच्छा ना होने का मेरे साथ, तू मुझे बहुत बढ़िया लगे। अगर मेरे पिताजी को पता चला ना तुझे यहां का यही काट के दाब देंगे, समझ में आ गई? जैसे तू पिताजी कह रही है ना, तू पिताजी ना तेरा। मतलब? मतलब मैं बताऊंगा ना जायज है तू, ना तो तू इस गांव की है ना उसकी छोरी है, तू है ना जायज रघुआ। अपने आप में ज्यादा बढ़िया बन रही है, इसी दिन तुझे काक में लेके उड़ जाऊंगा। उस दिन ही भाग गई और आज भी भाग गई, देखूंगा तुझे। तू दीपांशी मेरी बेटी है और कौन है? माँ वो लड़का मुझे नाजायज बोल रहा था, नाजायज क्या होता है? तू रो मत, रो मत। कौन लड़का का होता था ना नाजायज? रो मत मेरा बच्चा, रो मत। चुप हो जा। क्या नाम सोच छोरा का मैंने बता? रोज बोलता है तो तने क्यों ना बोली आज तक? तेरे पापा तो क्यों ना बताई? कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि मैं नाजायज हूँ। बेटी तुम्हारी बेटी है, नाजायज किसी यार। बात बता, बात बता। नाजायज क्या होता है? क्या बात हुई? चश्मा लगा के रखता है वो मुझे नाजायज बोल रहा था। चल मैं बताऊंगा कौन सा वो। चल तुम मुझे बता। मैं बताऊं जाज को नाजायज के हो। चुप बहुत। अरे सतकुमार के बच्चे कहाँ है? सतकुमार बात वो कहाँ था छोरा उसे बता। मु पूछ रहा हमारी छोरी थे तू नाजाज है, उस जाज को हम पूछोगे कितने जाज है वो? बुलाओ अपने बेटे को। उसका चश्मा तार दूंगा मैं। चश्मा चढ़ रहा है उसकी आंखों पे। अजी बाड़ा क्या कह दिया होगा, हम समझा देंगे आगे नहीं कहे। समझा दे नहीं समझा ही दियो ना, तो हमें अच्छे से समझाना हुआ है। हमने हमारी बेटी बड़ी लाड तोड़ते पाली है। तब हम कुछ नहीं कह रहे, उसे बता दिए सतकुमार को, रोक लेगा उसे ना तर सारी काट देंगे उसकी दादागिरी। और ना जाज कह ही ना दे ना मारे तो बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो बोलने का ही ना पता, कुछ ही कह दे कोई मुंह उठा के। बड़ी सेवा चल रही है आकाश महोदय की। आ जाओ। हाँ देखा है छोरा किसाक लग गया?
वह लड़का बिल्कुल एकदम फिट। अच्छा हाँ, घर परिवार सब बढ़िया? सब एकदम बढ़िया। अरे पिताजी हमें बता दो कुछ, मैं भी नजर में को काट लूँगा। अच्छा बहुत समझदार हो रहा। दीपान जी को बुलाओ, उसका भी बताऊंगा। प्रिय बहन जी कृपया आप यहाँ आने का कष्ट करें। क्या है? बैठो, पिताजी कुछ बताना चाह रहे, तेरे बगैर बताई ना रे। हाँ पिताजी। दीपांशी बेटा मैं तेरे लिए लड़का देख लिया। क्या बात? कुछ नहीं पिताजी। हैं? कुछ नहीं। शादी करेंगे हम तेरी। पिताजी इतनी जल्दी? जल्दी क्या होती, एमए हो गया तेरा, तेरा क्या हो जाएगा, मुझे भी छूट सी मिल जाएगी। हैं? तुझे किसने बांध रखा है? रही लड़ेगी ना फिर मेरे से। कोई ना, फिर तेरा भी ब्याह कर देंगे, तेरा भी बहू आवेगी, वह भी लड़ेगी। वो लड़ेगी तो जो उसको पिताजी मेरा बात में कर लेना, पहले इसी को कर दो ना, पहले लड़की को करो। दीपांशी ये बता तुझे कौन सी गाड़ी देनी है? नहीं पिताजी मुझे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चाहती। यत्ते के तू ई रिक्शा में जागी, पिताजी तुम बुक कर दो BMW। चल BMW बुक कर दूंगा तेरे लिए। हैं? पिताजी आप भी क्यों इसकी बात सुनाते रहो, ये तो भी बकवास करता रहा है। अच्छा हाँ? दीपांशी तू जो कह देगी जो मांग लेगी वही मिलेगा। वो तो मुझे पता है पिताजी, आप और माँ मुझसे कितना प्यार करते हो। ठीक है ना? हाँ पर खुद मत चलाइए उस गाड़ी को। बेटा ये मेरी बात सुन ले, जो बात है लड़का इंजीनियर है, घर में किसी भी कमी किसी भी ढाल की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? और बस तेरा यू काम है, जैसे उनका घर अब चल रहा है वो और भी ज्यादा आगे बढ़े तेरे जाने पर, ठीक है ना? कभी कोई भी किसी भी बात पे माइंड नहीं करना, एडजस्ट करना है, एडजस्ट होना है। शादी के बाद जीवन एक बदल सी जा, छोटी छोटी बातों पे कभी कोई बात माइंड नहीं कर, ठीक है ना? बिल्कुल जैसे हम माँ बाप हैं ऐसे ही तुझे हाँ माँ बाप मिलेंगे। बिल्कुल, अपना यो परिवार छोड़ के अपने को दूसरा परिवार बसाना हुआ है, और जितना प्यार तू देगी उससे डबल तुझे प्यार मिलेगा। क्यों जी? ना? हाँ बस चल, तो मेरे लिए पानी लेना दस का सवरा। देख लो पिताजी बेटियों कह रहा है, नहीं हम कितनी जरूरी बात कर रहे हैं। हाँ माँ और पिताजी आप दोनों ठीक कह रहे हो। ठीक है। बस बुराई कोई आने नहीं चाहती, नहीं आने की, कभी नहीं आने की। बस बेटा यही मेरी इच्छा है, तेरी तरफ से मैं इतनी सी भी बुराई ना सुनूं। पिताजी और माँ आप दोनों चिंता ना करो, आप लोगों ने मुझे संस्कार इतने अच्छे दिए हैं कि मैं बुराई तो ला ही नहीं सकती। चिंता ना मानने, अभी एक नजर मैं भी मार खाऊंगा। रहने रहने तू तो है नहीं, तो बस पिताजी देखे आए वो ही काफी है, तू मत जा। अरे मैं ना जाऊंगा, वो पता कैसे पड़ेगा कैसा, पिताजी तो देखे आए, एक बार मैं भी देख लूंगा। पिताजी इससे पैंट पर ठीक से पहनी नहीं जाती। देख ले हसरी, तेरी सासू के मैं कोथली लेगा साइकिल पर जाया करूँगा। प्रिय बहन जी मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। प्रिय भैया जी कृपया आप मुंह बंद रखें। बता ये ढोर वही प्यासे बैठे, बता मैं घर में किल्ला के कर लूं। ले पी ले, मजे रहे सारा ध्यान, और गुना किसी को भी ध्यान थारा,
इस घर में तो सबको कटोरे चाहिए दूध भर भर के, बस और ना चाहिए कुछ भी। पड़े होंगे सारे आप अपने कमरों में, आज बताऊंगा इन्हें, सो रहे होंगे अभी तो। देखो एक महारानी तो यू सोरी मुंह को ली पोत के सोरी, और देखे अरे कैसे खरट्टे ले रही। ओहो भाई बहू कैसे ना सोएगी जब यू महारानी अब तक सोरी, तुझे पता ना दिन निकट गया, अब तक पड़ी है यहां, चल खड़ी हो। क्या बात होगी, क्यों रुक के मचा रहे हो? क्यों रुक के मचा रहे, तुझे पता नहीं दिन निकट गया, क्या टाइम हो रहा? अजी अभी कहां टाइम हो गया, जब टाइम होगा तो शानी वानी भी हो जाओगी, बेमतलब रुक के मचाओ। अच्छा मैं तुम्हें रुक के तारता ही दिखाई दूं, और तुम्हें नूना पता अगवे सारे डांगर ढोर खड़े हैं वावे भूखे प्यासे खड़े, तुम्हें दिखाई ना देता बिल्कुल भी। अरे वाह कहां है तेरी औलाद, मैं क्यों उसे जेब में ले रही हूँ, या मैं हर वक्त उसके पीछे फिरे जाऊं, डोल रहा होगा कंधे। अरे घड़ी ना बोल रहा दिखे, बिगाड़ा हुआ तो तेरा ही है वो। हाँ सब बिगाड़ रखे मैंने तो। और किसने बिगाड़ रखे, तन्ने बिगाड़े सारे। माँ जी क्या हो गया, काहे को पिताजी ने रुक के उतार रखे हैं? अरे इसके ना बुढ़ापे में शर्म, बुढ़ापे में मेरे पे लठिया लेके चढ़ाया मारने के लिए। अरे पिताजी आप हर टाइम नू मत कहा करो, माँ जी और मैं घर का सारा काम करके अभी लेटे थे, और तुम ना माँ जी पे कभी हाथ उठाने की बात मत किया करो। इसे तो हमारा लौटना दिखा है, काम कुछ दिखाई नहीं देता। झूठ तो इतनी दे रखी है, लाड प्यार का पूरा फायदा उठा रखा तुमने। जा रहे पिताजी, माँ और मैं, तुम नाराज ना हो। चलो माँ जी। जब भी सारा काम हमें करना, बेमतलब के गट्टे तोड़वाते रहे। चाचा चली जा, घनी बोल रही है, गोटे तोड़ दूंगा तेरे, कभी घनी बोल रही हो बोलना सिखा दूंगा तुझे, इसे जुबान को भट्ट में दे ले, घनी ना बोल लग रहे। अरे औलाद औलाद काम की नहीं, बिगाड़ दी औलाद तन्ने। और क्या हाल है बापू? नालायक फिर भी आया आज, तेरा नहीं रही शर्म आज बिल्कुल भी। अरे बापू जिसने करी शर्म और उसके फुटे करम, बात खत्म। हलक मैं डंडा दे दूंगा तेरे, डंडा तेरे बाप दादा ने भी पी कदी शराब, हाथ भी लगाया उन्होंने कदी, कौन के कहेगा समाज के कहेगा पता कुछ तो जाए, पियू फिर हो जा हरदम। एक बात बता बापू, तन्ने और दादा ने ना पी तो तुमने का लाल किला चिनवा दिया। तेरे शर्मली आज नहीं रही बिल्कुल भी, एक तो दारू पी का आया और बापू की आंख में आंख मिला के बात कर रहा, घने लाल किले चिनवाए, मैं चिनवाऊंगा तेरे पे लाल किले, मैं चिनवाऊंगा तेरे पे। अरे बापू कूल डाउन कूल डाउन, क्यों भबके में आ रहा इतना? क्यों भबके में आ रहा, निकल जाए यहां से, जब इस मुंह का नशा उतर जा, जब इस घर में बात हरी है, और नहीं तो जमीन से इस घर से बेदखल कर दूंगा तुझे। बापू एक काम कर, कभी दारू के हाथ न लगाऊं, पूरी बोतल ही अटक जाऊंगा, ठेका खुलवा दे तू। ठेका और खुलवा दू तेरी खातर, जा डर जा अंत है, मेरा पूरा नाम रोशन करके जाइए तू अंत है, डर जा जा चला जा अंत है, उसको पी के आ जाया। अरे माँ के बताऊ तुझे, मेरा ससुर तो कति जल्ला दिया, सासू माँ की तो फिर भी बुरी सुनी, पर ऐसा ससुर मैं ना आज तक ना देखा जैसा मेरा हैगा, और माँ बिल्कुल लुगाइयों की तरह करे, नू कहवे अभी तक पोछा ना लगा थारा, अभी तक झाड़ू ना दी गई, और काम खुद कुछ करता नहीं और रोब जमावे हम पे, और सासू माँ को तो पीटने को कहवे, और मेरी सासू माँ कति भोली है, मेरी होड़ लेवे और वो बुड्ढा उस पे बजाता ही चला जावे। वैसे माँ ससुर जी की भी कोई गलती ना, पूरे दिन घर के कामों में ही लगे रहे। अब नू बताओ तुम्हारा जमाई दारू पी के इधर उधर फिरता रहे, अब औलाद ऐसा करेगी तो गुस्सा तो आवेगा ही। अच्छा माँ मैं भी करती हूँ बात।
बेटे एक गिलास पानी लिया, आज तो मैं ज्यादा थक गई। यू तेरा बाप ना जिंदे 10-5 साल, ये तो मेरा पहली पत्ता साफ करने के चक्कर में लग रहा। अरे माँ अब क्या हो गया, क्या कह दिया बापू ने? अरे बेटी तुझे आज क्या बताऊं, आज मैं उसकी घर खेत पर चली गई, नू लगा ले पूरे खेत में, बस जो उसका मुंह बंद रहा हो, अब कह यू कर दे, अब कह यू कर दे, अब कह नू कर ले, अब कह नू कर ले। इसने तो मैं वहां दुखी करके घेर दी, मेरे तो करते सिर में दर्द। मैं तो जाऊं ना इसकी गैल अब खेत पर से पीछे, जो करना होगा मैं तो अकेली कर लूंगी। अरे माँ बापू को ना आदत होगी बड़बड़ाने की, पर तुम्हारा बेटा भी ठीक ना, दारू के नशे में इधर उधर फिरता रहे। अब तुम ही बताओ, उनकी वजह से भी तो पिताजी परेशान रहे। एनी करम जली, मन्ने तुझे 5,000 रुपए देते बनिया को देने की खातर, और तन्ने उसे बनिया को पैसे ना दिए वे। वो आज रास्ते में मिला था मुझे, और नू कह रहा था सामान खा के बैठ के पैसे ना दिए तुमने मुझे। तुम तो हर वक्त लड़ने को बैठे रहो, कम से कम बोझ भी तो लेकर आओ। अरे मैंने तो कभी का भिजवा दिया राजीव के हाथ। तुझे पता ना है कि तेरी औलाद कैसी है, पी गया होगा कहीं दारू। ऐसी तो तू अकलबंद, और ऐसा ही तेरा छोरा अकलबंद। तेरे सिर में ऐसा डंडा मारूंगा तुझे पता लग जाएगा। अभी कहाँ है वो तेरा सबूत, मैं भी तो बुझूंगा पैसे कहाँ गिरे उसने। ए बहू राजीव को देखिए कहाँ है, जब भेज उसे, नहीं तो मेरी जान खाए जाओगे तेरा बाप। यो ला रही अजी, उठ जाओ, तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में, जल्दी से खड़े हो जाओ, बुला रहे हैं तुम्हें। अरे बुला ना, मुझे तो नींद आ रही है, मरण दे परे। नींद नींद ला, मैं सोमा तुझे नींद ही रहेगी बस तेरी, खाना पीना सोना सब यू ही रहेगा, बस नींद रहेगी बस तेरी। रे बापू क्या होगा, क्यों तू फेस हो रहा? तू फेस तो मैं उड़ाऊंगा तेरे, जो वे 5,000 रुपए बनिया को देने की खातर तेरी माँ ने तुझे दिए थे कहाँ है वे? अरे वे बापू मैं बरसाना भूल गया, वे मेरे से कहीं निकल गए। अच्छा बेटा मारे बेवकूफ बना रहा तू है? अरे नालायक, तेरी वजह से मुझे भी सुननी पड़ रही है बुढ़ापे में, भगवान तेरी जैसी औलाद न देवे किसी को भी। झूठ बोल रहा सुसरा, दारू पी गया होगा उनकी भी, और दुनिया के उलाने हमें सुनने पड़े। मुझे चलाओगा, तेरा बाप हूं मैं बाप, जेब में तो पैसे लिखट गए तेरी, तू और की जेब के पैसे ना छोटे। अजी तुम हाथ की उठा रहे हो सियाना बालक है, तू चुपकी खड़ी रहे, तन्ने तो बिगाड़ रखा इसे, सिर पर चढ़ा रखा इसे तन्ने। पिताजी तुम हर बात पे ना माँ पे हाथ मत उठाया करो, यू अच्छी बात ना तुम्हारी, और माँ ने तो पैसे दे ही दिए थे, इसमें इनकी क्या गलती? हाथ ना उठाऊ, इसने तो चढ़ा रखा है सिर पे, तुम्हें पता कैसे पैसा कमाया जा, मेरी खून पसीने की कमाई है, तुम्हें ना दोनों को पता इस दीन दुनिया का, तुम तो दोनों घर में बैठी बात बनाओ जाओ, और इसे सुसरे को इसे तो ठेके का पता, बस तुम सबने मेरी जिंदगी खराब करके धर दी। अरे जब मैं कह रहा हूँ मेरी जेब से निकल गए पैसे, तो निकल गए, तुम क्यों ना समझते? कैसे निकल गए तेरी जेब से, कैसे मान लू मैं तेरा बाप हूँ बाप, मुझे पता मेरी औलाद कितने पानी में, मेरे से झूठ ना बोलने कर, अपने साथ बुढ़ापे में माँ जी को और पिटवा दो। यो ना सुधरने का, ऐसा बहू को लेकर लिखकर जाए उनता क्या कह रहे है तुम, कहाँ जाओगा ही बहू को लेकर? कहाँ जाता, कहीं भी जाओ, मुझे पता कहाँ जाएगा। शरम आ रही थोड़ी घड़ी नारी बाल को घर से बाहर भगा रहा। शरम आ रही कालो मानो शरम, अब जब कह रहा खर्च होगी तो हो गए होंगे, अब चुर गए खर्च हो गया, अब यू जाने इसका काम जाने, अब छोटो पर एक बात को लेके बैठ जाओ। पिताजी आप ऐसा तो मत करो। बहू तू हाथ जुड़वा ले, मुझे माफ कर, इतने इसके सिर पे जिम्मेदारी नहीं आने की, इतने बिल्कुल नहीं सुधरने का। ठीक है पिताजी, अब जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो अब खड़े हो, तुम्हें जहाँ ले जाना ना तुम मुझे वहां ले जाना, क्योंकि अब तो तुमने कर दिया घर का नाश। चुप हो जा, घड़ी ना बोल ले, यही खड़ी रह चुप, कभी भेजू तो जाए अभी। माँ तुम परेशान ना हो हमारे साथ जाके, मेरे नसीब में अगर यू ही लिख रहा ना तो यू ही सही।
ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। चलो जी, खड़े हो। घर का नाश करवा दिया, अब शर्मदारी होगी तुम्हें। भेज देना बालक तन्न, हाँ? अब रहला पहला फिर सारे घर में। बहू सुन जा, कहीं मत जा तू, इस अंदर कमरे में ले जा, जब तेरे बाप का गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं आप बात कर लूंगी। ठीक है माँ, चलो। कहाँ चले गए? झाड़ू भी नहीं दी जा रही। ए भगवान, मेरे आदमी को तो मेरे जीने मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे तो बस उसके टाइम पे दारू मिल जाए और वो टेंशन फ्री, उसे तो अपने नशे से मतलब रहता है। और इसी वजह से आज हम अपने माँ बापों से भी अलग हो गए। देख कैसा महाराणी की तरी आराम फरमा रही है। चल रे मेरे लियो खाना ला जाके, अमरूद खाने बैठी है यहाँ। अरे तुझे सुनाई ना देता मैं क्या कह रहा हूँ। सीमा, ए सीमा, सीमा, ए सीमा, खड़ी हो जा मेरे लिए रोटी लिया। अरे तुझे सुनाई ना देता क्या? सीमा, अरे खड़ी हो जा, मैं कुछ कह रहा हूँ देर से। अरे क्यों चिल्ला रहा बहू पे तू? अरे माँ यू मिर्जा गुस्सा हो रही है, बोलना रही। गुस्सा हो रही? सीमा, 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 अरे देर से गुस्सा ना हो रही, हम सबसे गुस्सा होकर चली गई। माँ मेरी तो गुस्सा आई, तब जाके गुस्सा होगी। सीमा गई इसमें ना कुछ भी। माँ सीमा, अरे मेरे बच्चे क्या हो गया तुझे? सीमा अरे तू खड़ी क्यों ना होती है, देख मेरी मार हो रही है। तुझे समझ में ना आती है एक बात, खड़ी हो जा। तुझे क्या मेरा बताऊं, मर गई हूं अब ना है इसमें कुछ भी, तेरी समझ में ना आ रही क्या? अरे माँ कहाँ चली गई हूँ, यही तो बैठी है, तू भी पागल बना रही मेरा। बेचारे को मर जा। अरे खड़ी हो जा, समझ में ना आ रही। तेरी समझ में ना आ, तेरी समझ में ना आ, बिल्कुल भी। अरे कहाँ से खड़ी हो जाओगी, मर गई, तेरी दारू रेट ले गई आराम खाने। अरे यू मर गई, इस दारू के नशे से बाहर आ जा तू। मायू मर गई? सीमा, ए सीमा, सीमा, तेरी दारू ने नाश कर दिया घर का, अब रोले सीमा सीमा करके। अरे भगवान, चाय तो तन्ना आज बहुत बढ़िया बना रखी, बहुत मीठी। अर्दिके तेरे हाथ में तो जादू सा है बस। बस
ये बात करवा लो तुम। आज पहली बार चाय पी रहे हो के मेरे हाथ की, रोज नहीं बनाती के मैं। चाय तो तू रोज बनावे, पर आज बात कुछ और ही है बस। डट जाओ पी लो। सब्जी क्या बनाऊं? सब्जी? हाँ। तो आज सब्जी आलू गाजर तो रोज खावे, और तू आज मटर पनीर बना बस। ठीक है, मटर पनीर ले आओ, मैं तो मटर पनीर बना दूंगी। भगवान तू नो बता, कुछ और तो ना खत्म हो रहा? अब तो मैं बाजार को जा ही रहा हूँ, और वो भी लेता अम्मा। अदरक खत्म हो रही है चाय में, को अदरक ले आइयो। चल ठीक है, तो मैं जाऊं बाजार को, और कुछ और खत्म हो जाए इतने तो फोन करके बता दिए मुझे, लेता अम्मा। जल्दी आ जाइए, और कभी मैं बांट देती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ अम्मा। अरे जान पहचान के ज्यादा मिला हो तुम, लग जाओ बात उल्ले बनाने। ऐसा है, मैं तो जा रहा हूँ खेत में, को दहन्ने में घास बहुत खड़ा, पानी नहीं आता उसमें, और कई कई घंटे हो जा खाल लगता ही नहीं, तो मैं पहले उसका दाने को खासू। मरा खास हो गया? हाँ हाँ, चले जाओ। ठीक है, रोटी वहीं लाऊं फिर? हाँ रोटी ले आई, अगर टाइम मिले, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं घर आके खा लूंगा। ठीक है जाओ। कितनी बेर कह दी मैंने, इस खरंजे पे ईंट बिछवा दो, ससुरा इतना रेत उठ रहा है इसमें, लगाते रहो झाड़ू। अरे मैं खेतन पे को जा रहा हूँ, कुछ खा तो लेते। खा लूंगा मैं, पहले थोड़ी बहुत देर काम देखे हूँ खेतन पे को, खेत ऐसी पड़ा नहीं। ले पहले दाना ही साफ कर लो, इसमें भी घास खड़ी, पानी आता है ना ठीक डाल, कई कई घंटे लग जा पानी आने में, दाना ही साफ कर लो पहले। मुझे लगे काली चरण आज हमारा डोला काट रहा दिखे, आज डोला काट देता आज, या काली चरण ना काट दूंगा सही करके। अरे काली चरण कैसे काटा आज तेने हमारा डोला? हाँ काटा, पहले गिरवान छोड़, तेरी माथे की फूट रही है दिखना रहा है किसका खेत है। जो हमारा खेत है, जो पहले गिरवान पता था था। और ना कर रहा मैं कुछ भी, आई नहीं समझ में। अरे अपना मैं तो दाना साफ कर रहा, काम कर लेना। तू देख मेरे डोले पे कस्सी लगना है बिल्कुल। किस बात को लेकर झगड़ा कर? आदेश भाई तू नू बता मैं अपना दाना खास रहा, मैंने डोला काट रखा गया, यू आके मेरे साथ यहाँ एंथम है, मेरी कहीं गिरवान पकड़ मेरी जान। देखे मत अपना दाना खास रहा, साफ करते मैंने इसमें पानी नहीं आता, जो लड़ाई के मूड में बैठा रोज आके मेरे के लड़ लगे, मैं अपना काम ही ना करूं खेत का। भाई लड़ो मत ना, ठीक है ना काली चरण, यू तो आदेश की शरम है ना, तुझे फावले से मैं ही काटता, जैसे तूने ढोल झांगे ना तुझे झांगता आज यहाँ। आप भी अपना काम कर लो, आ मोहित भाई घर चल ले, तू भी अपना घर चलेंगे। वही काट देगा दूसरे के हाथ पीछे बंद रहे, चल आ जा। फावड़ा नहीं देखा मेरे हाथ में?
अरे शीतल, कहाँ मर गई, कहाँ है? हाँ जी, क्या कह रहे? कहाँ मर रही इतनी देर से? वो मैं सब्जी काट रही थी अंदर। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो? गुस्सा को तो ऐसे सुन, गुस्सा मुझे इतना आ रहा, साले को बीच में तो फाड़ देता मैं उसे। किसको फाड़ने की बात कर रहे हो? अरे मैं उस काली चरण की बात कर रहा हूँ, उसने हमारे खेत का डोला काट दिया, नहीं तो मैं साले को वाइया काट दूंगा। अजी आप इतना गुस्सा मत हो, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। चलो आप बैठो, यहाँ मैं पानी लेके आती हूँ। लो आप पानी पियो। अजी ज्यादा डोला काट दिया क्या उसने? आपकी मार पिटाई तो नहीं हुई? अरे मेरा सारा डोला काट लिया, मेरा दिमाग खराब है, मेरे सिर की नस फटा हो जा रही है। मुझे थोड़ी देर अकेला कोई छोड़ दे तो नहीं, बस बोले मत ना, सिर मत चाटे, सिर फटा हो जा रहा मेरा। चलो ठीक है, आप लेट जाओ, मैं खाना बना के लाती हूँ। माँ बापू कहाँ गया? खेत पर गया, नुगारा भरा खासू। अच्छा तू बना ले तन मन कुछ खाने पीने को, कुछ सब्जी वब्जी बना ले। बताओ क्या बनाऊं? अरे दाल बना ले, और क्या बनाओगे? ले देख वे आगे तेरे पिताजी भी। पता नहीं अपने आप को के मन है, काम भी नहीं करने देते खेत में। तू कहता तन्ने मारा नू कर दिया, नू कर दिया। के बात होगी? के होती, वहां मैं खेत में अपना जो है दाना साफ कर रहा था, और वो जुल्फी जो पूर्व प्रधान है उसका लौंडा आके मिर्गेल एड़ते एड़ होने लगा। अरे मैं तो अपना काम कर रहा, मैं तो अपना दाना साफ कर रहा, और मिर्गेल लड़न लगा आके। ऐसा कैसे लड़न लगा? कुछ बात भी तो होगी, या नू खामे खा लड़न लगा तुमसे? खामा खा की तो बात ही थी, आके उसने गिरवान पकड़ ली, और नू के तने मारा डोला काट लिया। बता मैं अपना दाना साफ कर रहा, उसका डोला काट रहा हूँ। पिताजी वाने तुम्हारी गिरवानी पकड़ी, मारपीट तो ना करी तुम्हारे साथ में? तुम बता दो मुझे एक बार, ना मैंने वहाँ की कुट्टी सी काट दी? अरे तू चुप हो जा, हमें पता उसकी अनटा छोरा, बेमतलब की बात कर रहे हो। ये डोले भरे इनके ऊपर लड़ा करते ना है। ऐसा है नूना मानने काम है, और कल को यही पंचायत बोलाम और प्रधान को बोलाम्मा। ठीक कह रहे पिताजी तुम। तुम्हारी क्या लपड़ा, रोज लड़ू जा खेत में, काम ही ना करने देने काम है वो। बुला लो प्रधान को, जोड़ लो पंचायत। प्रधान वरदान कोई कुछ ना, मुंह देखी बात करे। अब हम देख लेंगे प्रधान थारी कह देंगे के। मुंह देखी बात कैसे करेगा प्रधान, आगे वोट ले लेगा। आपका तो वोट दे दी थी, आगे हमारी वोट ले लियो। बुला लियो प्रधान को। ए तू खाने पीने को बना ले कुछ, यू भला खेत पे भेज जा, लड़ाई करके घर को आगे बेमतलब की। धर दो फावड़ घर को जा। अरे भगवान, तन्ने तो दिखे हरे, और अंगीठी देखे कितने बढ़िया बनाई, कितने सोने लग रहे ये, कमाल कर दिया भाई तन्ने तो। तू तो पूरी कारीगर है। तुम आज ही पता चली है मैं हारा भरोसी बढ़िया बनाऊंगी थी, 30 साल से काम करती है, पता ना चली आज तक? मैं ही तो बनाऊंगी ना, किससे बनवाऊं और? बता मन्ने तो तू आज ही देखी हारा बनाती हुई, और देखिए और तन्ने तो देखिए एक दिन में कई बना दिए। मैं तो सोच रहा था मगर तेरी एक दुकान ही खुलवा दो, मुझे तो आज ही पता लगा तू हरे बनाने जाने, और देखिए कितना बढ़िया व्यापार चलेगा मारो तो, और खूब पैसे आओगे। बेकार की बात तो करो ना, घेर में को चले जाओ और दूध काट लाओ। चलो एक बाट लगा के मैं भी बनाऊं फिर रोटी टुकड़ा कुछ। हम बेकार की बात कर रहे? अरे मैं तो नू सोच रहा था चोखा व्यापार चल जाता हमारा, ले हम तो दूध काट लेंगे जाके। अरे तो भले आदमी, यहाँ गांव में कौन चूल्हे चक्की खरीद रहा, हर घर में जाने है ना बनाने, बेकार की बात कर रहे है। आ जा प्रधान जी बैठो। हाय भाई, बता भाई कैसे बुलवाए? भाई प्रधान जी इसलिए बुलवाए थे, वो जुल्फी सा है ना वो पहले प्रधान का लुंडा, हाँ? मैं अपने खेत में काम कर रहा था, और मेरी गला का मारा पिटी कर लगा, मैं तो अपना धान ना खास रहा था। अच्छा। तन्ने मारा डोड़ा काट लिया, और मन ने जबकि कुछ भी नहीं, मैं तो अपने खेत में काम कर रहा था, और मेरी गल मारा पिट्टी करी। तो बताओ प्रधान जी, मैं यह बात तो बनता, मेरा फैसला करवाओ यो। भाई कालीचरण तेरा बिल्कुल नहीं मटवाऊंगे, मामला करवाऊंगे। अरे प्रधान जी यकीन ना आता हो तो आदेश तो पूछ लो, आदेश आ गया था वहाँ, इसने मारा जो है वहाँ मारा पिट्टी हो जाती, इसने छुटवाया मुझे। हाँ भाई आदेश, कालीचरण ठीक बता रहा है बात। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे, ऐसा ही था, ऐसा ही था, तो जा उसे बुला कर लिया। अरे के पैर रखा रहे नहीं, साड़ी वाड़ी में अच्छी लग रही है, तू का इतना पहन लिए पजामा सा यू, इतना मत पहरे कर।
काम मोहल्ले में कोई देखेगा तो क्या क्या आएगा कि मोहित की बहू पता ना क्या क्या पहरा है घर में। ठीक है जी, मैं साड़ी पहन ले करूंगी, बस आप खुश रहो। भाई गाड़ी चलाने के गए में पंचायत है, प्रधान जी ने बुलाया था ना। अभी आ रहा हूँ मैं, तुम चलो आ रहा हूँ, ठीक है पंचायत ही देखूंगा, आ जा ही रहा हूँ गाड़ी चरण घेर में भी। अच्छा तो ठीक है शीतल, मैं चलूँ पंचायत में देखूँ क्या बातचीत है, पंचायत में बुलाया हूँ मैं, चलूँ उठ के। अच्छा क्या हो गया, पंचायत में क्यों बुला रहे हैं आपको? आप चल रहे हो तो मैं भी चल रही हूँ आपके साथ में। चल तो चल, हो खड़ी तू भी देखिए पंचायत में। ठीक है आवन दे, ठीक है ठीक है। प्रधान जी राम राम राम। मैं मोहित, आ जा बैठ जा। बताओ जी प्रधान जी क्यों बुलाया? मोहित काली चरण के साथ में झगड़ा क्यों करा खेत पे? अरे प्रधान जी मैं क्यों लड़ता इनसो, इन्होंने हमारे ढोल काट ली, मैंने तो ढोल को की इनसो। हाँ भाई काली चरण, ये मोहित तो कह रहा कि मेरी ढोल काटी। अरे नहीं प्रधान जी, ढोल ना काटी, मैं तो अपना दाना साफ कर रहा था। एक बता भाई काली चरण, तेरी सच मानू या इसकी मानू, कैसे थारा निपटारा करवाऊ? अब प्रधान जी तमी देख लो, इससे फालतू के सबूत दूं मैं? आदेश भी वही था, तम आदेश ने तो मैं बता भी दिया, बताओ इससे फालतू मैं क्या सबूत दूं? अरे कालीचरण, आदेश का कोई घर का प्रधान है, कोई मंत्री है जो आदेश के कहने पे मैं चलूंगा? जो तो यहाँ रुक के दे रहा प्रधान जी का आगे, पंचायत जोड़ता ढोला काम में, चार आदमी ने इकट्ठे करता ढोला, एक तो मैड काट रहा ऊपर तो पंचायत जोड़ रहा है। प्रधान जी अब भी पिताजी पे मैठ रहा, ये एक नंबर का लफंगा है। ए छोरी तू कैसा बोल रही है पंचायत में, तेरा कोई हक नहीं है बोलने का पंचायत में। अरे क्यों ना है हक, तुझे हक के सारी बात बोलने का हक क्या है? मैं भी जो सही बात है वो सही कही जाएगी, तू गलत बोलने जा रहे थे तुझे कहेंगे ना कुछ। अरे हमें लफंगा बता रहे हो तुम, चार आदमी बैठा का माँ बेटी हमारी बेइज्जती कर रहे। अरे क्यों काली चरण, दिल निकलते पंचायत ठोक दी, ना खाना ना पीना हमें, दिल निकलते चार आदमी ने लेकर बैठ गए यहाँ। देख लो प्रधान जी इसकी जीभ कैसे तर तर चल रही। भाई मोहित ऐसा है, तेरी यहाँ कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, ठीक है हम तो तुझे समझा रहे, काली चरण को भी समझा रहे, डोल के ऊपर नहीं लड़ा करते, इसमें कुछ नहीं डरा। अरे प्रधान जी मैं तो ना लड़ रहा, कोई बात नहीं, जैसे तुम कह दोगे तुम्हारी बात मेरे शर्माते, तुम इस काली चरण को समझा दो ये मेरे खेत में जाकर मैं डना काटे, जैसे तुम कह दोगे ऐसी तैयार हूँ मैं फैसले को। भाई ऐसा है काली चरण, आपस में लड़े नहीं करते, मैं तो नहीं कहूँ आपस में प्यारते रहो। ठीक है प्रधान जी, जैसा तुम कह रहे नहीं लड़ने के। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है प्रधान जी, मैं तो अभी समझाती रहूँ। हाथ मिलाओ, खड़े हो के ऊपर ना लड़ा करते हैं। मोहित खड़े हो, गलती मान और गले मिल, हाथ मिला, आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे। ठीक है प्रधान जी, राम राम। राम राम, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। बट ठीक है प्रधान जी, फैसला कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं नहीं समझाऊं या नट्टे छोरा, इसके मुंह मत लगो, तुम उम्र का लिहाज रखो ना, ना अब ना कुछ भी कहे। हाँ। चलो ठीक है भाई, ठीक आओ। अच्छा भाई कली रन चले। अच्छा प्रधान जी, अब जाओगे फिर भरा खास ना? बस अब के जाता, अब तो दिन छिप गया, कल को जाऊंगा अब तो।